सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान लेकर राज्य की सियासत गरमा दी है। भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से पूछे गए सवालों को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि विदेशी महिला के गर्भ से जन्मा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस को तो अपने गिरेवान में झांक कर देखना चाहिए, उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार है और ना ही उनके पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूंगी, देशभक्ति आएगी कहां से जब दो दो देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। चाणक्य ने कहा था इस भूमि का पुत्र ही इस देश की रक्षा कर सकता है, विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न कभी कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आपको बता दें कि इसके अलावा भारत चीन सीमा विवाद के मामले में सांसद ने कहा कि चीन से निपटने के लिए देश तैयार है, केंद्र सरकार चीन को पूरी ताकत से जवाब देगी, भारत की एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत अन्य कई देशों का उदय ही भारत से हुआ है। न्यूज़ डेस्क।